आइए बात करते हैं टीडीएस की। टीडीएस तनुश्री दत्ता स्कैंडल, टीडीएस हॉर्न ओके प्लीज करने के बाद वो 10 साल के बाद आध्यात्म से लौट कर आई है। 10 साल के बाद पता चला, 10 साल के बाद चला है पता कि आ गई है लौट के तनुश्री दत्ता। पता चलना ही था आते ही, हॉर 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 ओके 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 प्लीज प्लीज। नाना पाटेकर साहब पर आरोप लगाया अपने, नाना ने कहा था उनको बिना कपड़ों के नाचने। आपका आरोप तो नाना पाटेकर फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री पर तनुश्री दत्ता ने आरोप लगाया, लेकिन कह रही है कि अब वो एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। नाना पाटेकर जवाब नहीं दे रहे क्योंकि नाना पाटेकर जो है विवेक से काम ले रहे हैं, और विवेक जो है आरोप पे कह रहे हैं ना 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 ऐसा कुछ नहीं हुआ ना ना। जबकि इस गाने को बाद में राखी सावंत ने किया, राखी सावंत कहती है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, कपड़े उतारने के लिए, कपड़े बिना कपड़ों के तो ऐसी कोई बात ही नहीं की। जबकि बहन जब डांस कर रही थी तो उल्टा नाना पाटेकर ने मेरे हाथ जोड़े और कहा बहन कपड़े पहन। मुझे लगता है कि तनुश्री दत्ता जी आप 10 साल के बाद में आई हैं, अध्यात्म से आई है, तो अध्यात्म का मतलब होता है कि लोगों को माफ़ करे, इंसाफ करे, हंसे मुस्कुराए। तो भूल जाइए पुराने दिनों को, नए से शुरुआत कीजिए। तनुश्री हो जाइए तनाव फ्री। ऑल द बेस्ट।